बिकॉज देखो एमसीक्यूज तो पेपर में अलग अलग एमसीक्यूज बनने वाले हैं लेकिन जो एमसीक्यूज को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी है वो आपको पता चलेगी एज वेल एज आपके बहुत सारे कंसेप्ट इसमें से रिवाइज करवाने वाला हो तो जितने भी कंसेप्ट आपके रिवाइज होंगे उससे आपको काफी इसका बेनिफिट मिल सकता है आप अपने बेसिस पे जितनी प्रिपेरेशन कर रहे हो करते रहे साइड बाई साइड ये एमसीक्यू को भी देखे इससे आपके काफी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ दब्जेक्ट ऑफ इकनॉमिक्स फॉर सेमेस्टर सिक्स क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने ये रहा द नेशन विद एप्सुलट एड एप्सुलट इन बोथ कमोडिटीज चुड डैश द कमोडिटी इन विच इट्स एप्सुलुट एडवांटेज इज ग्रेटर देखो एक थियोरी है अगर हम देखें तो एंड द थियोरी इज कॉल्ड एज एप्सोल्यूट एडवांटेज थियोरी ठीक है ये ध्यान रखना है आपको एब्सोलुट एडवांटेज थियोरी एंड एप्सुलुट एडवांटेज की जो थियोरी है ये दिया था एडम स्मिथ ने ठीक है एप्सोल्यूट एडवांटेज थियोरी जो है दैट वॉज गिवन बाय एडम स्मिथ उन्होंने क्या कहा कि जब एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में कंपेरिजन किया जाएगा तो जो कंट्री कम तो से कम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे उनको क्या करना चाहिए अपने कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहिए और अगर उसमें हमारा डिसएडवांटेज़ है तो सामने वाले कंट्रीज से हमें क्या करना चाहिए इम्पोर्ट करना चाहिए समझो तो इंडिया दस लेबर लगाती है और दस लेबर लगाने के बाद हंड्रेड के जी प्रोडक्शन करती है सिमिलरली अगर यूएस आठ लेबर लगा के ही हंड्रेड के जी प्रोडक्शन कर रही है तो उसके केस में हमें ये देखना है कि हम दस लेबर लगा के हंड्रेड के जी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें उसमें डिसएडवांटेज है यूएस को उसमें एडवांटेज है तो यूएस को क्या करना चाहिए एक्सपोर्ट करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए इम्पोर्ट करना चाहिए यही बेसिक पॉइंट है एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी वॉज गिवन बाय एडम स्मिथ तो इसमें क्या बोला है द नेशन विद एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज जिस नेशन को डिसएडवांटेज होगा उसने क्या करना चाहिए तो मैंने अभी आपको बताया जिस कंट्री को डिसएडवांटेज होगा उसने इंपोर्ट करना चाहिए और जिस चीज में हमें एडवांटेज है उस चीज को बना बना के हमें क्या करना चाहिए हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंपोर्ट हु एमोंग द फॉलोइंग हैज गिवन द फैक्टर एंडोमेंट थियोरी तो फैक्टर एंडोमेंट थियोरी ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट फिर इसका एक क्रिटिसिज्म भी आया था और जिसको हम बोलते हैं लियोटिफ पैराडॉक्स ठीक है जिसको क्या बोलते हैं हम लियोटिक पैराडॉक्स मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं उसमें क्या है तो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी किसने दिया था डेविड रिकार्डो जे एस मिल जे एम केन्स या फिर बर्टिल होलिन तो याद रखना मैंने अभी आपको एक ऑथर का नाम बताया एप्सोलूट एडवांटेज थ्योरी किसने दिया था एप्सोलूट एडवांटेज थ्योरी दिया था एडम स्मिथ से ए से एप्सोलूट ए से एडम स्मिथ ऐसे याद रखो फिर कंपेरेटिव कॉस्ट थियोरी जो है कंपेरेटिव कॉस्ट थियोरी वो किसने दिया था डेविड रिकार्डो ने दिया था तो इसका राइट right आंसर क्या है बेसिकली फैक्टर एंडोमेंट थियोरी में क्या होता है कि हम फैक्टर्स को कंपेयर करते हैं हम ये देखते हैं कि हमें किस बेसिस पे एडवांटेज है तो अगर हमारे पास अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखें तो लेबर है हमारे पास और कैपिटल है दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे इस थियोरी में कंसिडर किए गए थे एंड वो दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से थे एक था आपका लेबर और दूसरा था आपका कैपिटल ठीक है तो ये थियोरी क्या कहना चाहता है कि अभी यूएस की बात करें अगर हम तो यूएस कैपिटल इन इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज के साथ काफ़ी आगे है तो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज को यूएस ने बनाना चाहिए और वो एक्सपोर्ट करना चाहिए और सिमिलरली अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है मतलब लेबर काफ़ी चीप बेसिस पे मिलेगा सस्ता मिलेगा लेबर तो अकॉर्डिंगली अगर लेबर सस्ता मिला तो इंडिया ने क्या करना चाहिए इंडिया ने लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके बेचना चाहिए ऐसा इसका बेसिक कंसेप्ट था तो ये है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी जो दिया था तो ये थ्योरी दिया किसने था लेकिन ये थ्योरी दिया था वर्टिल ओलिन ने एक्सीन एंड बल्टी इन्होंने ये थ्योरी दिया था ठीक है दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी इसके बता दिए हैं तो ध्यान रखना इसका एक पैराडॉक्स आया था और जिसने इस थ्योरी को काफी क्रिटिसाइज किया था कि जैसा बोला गया इस थ्योरी में वैसे था नहीं तो दैट वॉज लियन पैराडॉक्स को आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इज ऑफर कर्स वेल डेवलप्ड एंड इंट्रोड्यूस इन टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बाय जे एस मिल मार्शल एजवर्थ बोथ बी एंड सी तो रिमेंबर ऑथर्स के नाम आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे तो इसका राइट आंसर है मार्शल एज वेल एज एजवर्थ वेर दिब्यूटर फॉर द ऑफर ठीक है हु द फॉलोइंग हुई अब भी मैंने आपको पॉइंट बताया इनमें से किसने क्रिटिसाइज किया फैक्टर एंडोमेंट थी को तो कंपेरेटिव कॉस्ट प्रिंसिपल एब्सोल्यूट कॉस्ट प्रिंसिपल लियंटिफ पैराडॉक्स या नन ऑफ दी तो राइट right आंसर अभी आपको पता ही है लियंटिफ पैराडॉक्स है लेकिन ये क्या था मैं बताता हूँ वैसली लियोट करके एक पर्सन है वो यूएस गया था तो उसने क्या किया उसने देखा कि ऐसी कुछ थ्योरी है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी जिसमें यह बताया गया है कि जो कंट्री को जिस बेसिस पे कैपिटल इंटेंसिव है तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को बना बना के बेचना चाहिए और लेबर इंटेंसिव कंट्री ने क्या करना चाहिए लेबर बेसिस पे लेबर रिलेटेड पॉइंट्स को सप्लाई करना चाहिए लेकिन एक्चुअली हो रहा था उल्टा यूएस एक कैपिटल इंटेंसिव बेस पे प्रोडक्शन करना चाहिए तो यूएस क्या कर रहा था लेबर इंटेंसिव बेस पे प्रोडक्शन कर रहा था तो उल्टा हो रहा था दैट इज वाई इसने फिर फाइंड किया कि फैक्टर एंडोमेंट थियोरी जो कहना चाहता है वो गलत है और दैट इज वाई इट वॉज अ क्रिटिसिजम दैट इज वाई इट इज अ पैराडॉक्स विच इज कॉल्ड एज लियनटिफ पैराडॉक्स ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लियंटिव पैराडॉक्स द प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स इन फॉरिन कंट्रीज एट लेस प्राइज एंड हाइयर इन द डोमेस्टिक मार्केट इज कॉल्ड एज सब्सिडी डंपिंग टैरिफ या नन ऑफ दी अबव तो आपको इसका राइट right आंसर शायद पता होगा इसका राइट right आंसर है डंपिंग देखो डंपिंग में हम क्या करते हैं हम हमारे डोमेस्टिक जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है या डोमेस्टिक एरिया जो है या डोमेस्टिक कंट्री जो है वहां पे हम ज्यादा प्राइस रखते हैं वहां पे हम क्या करते हैं वहां पे हम हाइयर प्राइस रखते हैं और फॉरेन कंट्रीज में जाके हम लो प्राइस में बेचते हैं ठीक है क्यों फॉरेन कंपनीज फॉरन कंट्रीज में में जाके लो प्राइस क्यों बेचते हैं ताकि वहां का सब कुछ अट्रैक्शन ठीक है मार्केट ठीक है इट इज कॉल्डिंग ऑफ डंपिंग हम हमारे डोमेस्टिक so कंट्री हम में या जो हम जहाँ पे प्रोडक्शन करने वाले हैं वहां पे हम ज्यादा प्राइस में बेचेंगे और फॉरेन कंट्रीज में जाके कम प्राइस में बेचेंगे कॉस्ट से भी कम प्राइस में बेच सकते हैं तो उसको बोला जाता है डंपिंग ताकि हम हमारे हमारे प्रोडक्ट्स का फॉरेन कंट्री में जाके सबका ध्यान हमारे तरफ अट्रैक्ट कर सके नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स इफ बी ओ पी दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन डिसिक्लिब्रियम इज करेक्टेड थ्रू गवर्नमेंट्स एक्शन ऑफ लोअरिंग द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अगर डोमेस्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो अगर हम उसको करेक्ट करना है गवर्नमेंट की तरफ से तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे मेशर्स लिए जाते हैं डायरेक्ट मेशर्स और इनडायरेक्ट मेशर्स बहुत सारे मेशर्स है उसमें तो वो लिए जाते हैं तो फॉरेन करेंसी के बेसिस में उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन डिवेल्युएशन एक्सचेंज कंट्रोल एन एन ऑफ द दब तो इसका राइट right आंसर है डिवैलुएशन मैं आपको कुछ एक कंसेप्ट बताता हूँ ध्यान से अभी समझना देखो कैसा है अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें बी तो बी का सबसे पहला कंपोनेंट है आपका करंट अकाउंट ठीक है बी का सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है करंट अकाउंट P.O.P का सेकंड नंबर का कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट ओके बैलेंस ऑफ पेमेंट का सेकंड नंबर का कंपोनेंट कौन सा है कैपिटल अकाउंट और आपका थर्ड नंबर का कंपोनेंट है एरर्स एंड ओमिशंस ठीक है जो भी आपके एरर्स एंड ओमिशंस हो गए जो भी आपकी गलतियाँ होगी उसको ना स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी भी माना जाता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम विजिबल्स के नाम से जानते हैं या इन विजिबल्स जिसको हम सर्विस के नाम से जानते हैं सर्विस फैक्टर पेमेंट्स ये सारे इसमें रिकॉर्ड होते हैं फिर गुड्स की गुड्स विजिबल्स की बात करें तो यहां पर क्या होता है बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट माइनस बैलेंस ऑफ इंपोर्ट अगर आप इसको करेंगे माइनस तो आपको आएगा आंसर बैलेंस ऑफ ट्रेड का फिर ये अगर देखे तो देखो इसका बैलेंस हमें मिलेगा करंट अकाउंट का पूरा बैलेंस मिलेगा दैट इज़ बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट फिर कैपिटल का पूरा बैलेंस मिलेगा दैट इज बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट फिर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी का पूरा बैलेंस मिलेगा दैट इज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट फिर वो जो आएगा वो हमारा रहेगा ओवरऑल बी और ये जो ओवरऑल बी है ये तीन कंपोनेंट्स के बैलेंसेस को एड करके आता है अब ये जो ओवरऑल बीओपी है दैट दैट कैन बी इन इक्विलिब्रियम और दैट कैन बी इन डिसिक्लिब्रियम इक्विलिब्रियम और डिसिक्लिब्रियम में फर्क क्या है फॉरेन इन्फ्लोज आर इक्वल टू फॉरेन आउट्लोज लेकिन अगर फॉरेन इन्फ्लोज आर फॉरेन आउटफ्लोज आर नॉट इक्वल टू इच अदर दैट इज कॉल्ड एज बीओपी डिसिक्लिब्रियम फिर उसमें सरप्लस और डेफिसिट का कंसेप्ट आता है वही आपका पूरा बेस है जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा अब हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं देखो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसक्म में है तो गवर्नमेंट जो एक्शन लेता है डोमेस्टिक करेंसी को रिड्यूस करने के लिए उसे क्या बोला जाता है उसे बोला जाता है आई होप कि आपका ये डीवैल्ट क्लियर हुआ रहेगा क्वेश्चन नंबर सेवन इज रिलेटेड विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ विच ऑफ द फॉलोइंग डब्लू टीओ एग्रीमेंट अप्लाइज टू इन्वेस्टमेंट मेशर्स रिलेटिंग टू ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेस ठीक है तो अभी ध्यान रखना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो डब्ल्यू जो है दैट वो कभी फॉर्म हुआ वो फॉर्म हुआ 1995 में डब्ल्यू के पहले चलता था गैट जनरल एग्रीमेंट्स ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड वो फॉर्म हुआ था 1948 में ठीक है फिर डब्ल्यू ने क्या कर दिया गैट बंद हो गया और डब्ल्यू अभी एक्टिविटीज कर रहा है डब्ल्यू एक्चुअली बेसिकली करता क्या है डब्ल्यू टी एनकरेजेस फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड मतलब जो भी कंट्रीज ने जानबूझ के बैरियर्स लगाए कि फॉरेन कंट्रीज से हमारे कंट्री में कोई भी प्रोडक्शन ना आ पाए बैरियर्स लगा के रखे वो बैरियर्स को धीरे धीरे रिमूव करने का काम करता है बैरियर्स आप सभी को पता होगा बैरियर्स का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन एंड बैरियर्स आर ऑफ़ टू टाइप्स टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स तो आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाइनटीन में फॉर्म हुआ और बेसिकली इसमें क्या है इसमें बेसिक पॉइंट ये है कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स फ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्शन मतलब हर कंट्री से दूसरे कंट्री में फ्री ट्रेड होना चाहिए तो उसमें बहुत सारे मेथ बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं जैसे ट्रिप्स है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिम्स है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स एओए है ए का मतलब एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और ब्लू बॉक्स सब्सिडी ये जो एग्रीकल्चर के जो वेरियस काइंड ऑफ सब्सिडीज़ देता है ये बहुत सारे बॉक्सेस के बेसिस पे देता है जैसे ग्रीन ब्लॉक ग्रीन बॉक्स होता है ब्लू बॉक्स होता है अंबर बॉक्स होता है ऐसे बॉक्सेस से सब्सिडी देता है तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है डब्ल्यूटी एग्रीमेंट अप्लाइज टू इन्वेस्टमेंट मेशर्स इन्वेस्टमेंट तो इसका राइट आंसर आई थिंक आपको पता चल गया होगा दैट इज ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेशर्स विच इज कॉल्ड एज स्ट्रीम्स ओके तो मैंने काफी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया आपके बहुत सारे कंसेप्ट इसमें से क्लियर होने वाले हैं क्वेश्चन नंबर एट एक्सपोर्ट सब्सिडीज कंसिडर एज विच टाइप ऑफ बैरियर टू ट्रेड वेदर इट इज़ अ टैरिफ बैरियर नॉन टैरिफ बैरियर रियल बैरियर या वन साइड बैरियर देखो बेसिकली दो ही टाइप के बैरियर्स होते हैं एक होता है टैरिफ और दूसरा होता है नॉन टैरिफ टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स का क्या फ़र्क है टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स का एक ही फर्क है कि टैरिफ बैरियर्स जो है टैरिफ बैरियर्स इंपैक्ट करता है प्राइस के ऊपर ध्यान रखना टैरिफ बैरियर्स का जो भी इंपैक्ट होता है वो प्राइस के ऊपर होता है और नॉन टैरिफ बैरियर्स का जो भी इंपैक्ट होता है वो हमेशा क्वांटिटी के ऊपर होता है ठीक है अगर नॉन टैरिफ बैरियर का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ले तो कोटा सिस्टम ठीक है एक रेस्ट्रिक्शन डाल देंगे बैरियर्स होता क्या है बैरियर्स क्या है रेस्ट्रिक्शन है तो टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स का मैंने आपको फर्क तो बताया इन दोनों में से ये कैंसर होगा तो एक्सपोर्ट सब्सिडीज कंसिडर एज वॉट एक्सपोर्ट सब्सिडीज कंसिडर एज नॉन टैरिफ बैरियर्स ठीक है नॉन टैरिफ बैरियर्स के पॉइंट्स में एक्सपोर्ट सब्सिडी आएगा फर्दर आगे बढ़ते हैं द फुल फॉर्म ऑफ एशियन एशियन का फुल फॉर्म क्या है एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशंस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एसोसिएशन ऑफ साउथ फ्रीकन नेशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एफ्रीकन नेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अगर आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म तो दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका हेड ऑफिस है बैंकॉक में 1967 में फॉर्म हुआ था टेन मेजर कंट्रीज है इसके तो आपको ध्यान रखना है ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो ये सारे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का फैक्टर है जैसे एशियन कंट्रीज के लिए आपको सभी को पता होगा सार्क है यूरोपियन कंट्रीज के लिए ईयू है कॉल्ड एज यूरोपियन यूनियन ठीक है फिर अमेरिकन uh, कंट्रीज अगर देखें तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विच इज कॉल्ड एज नाफ्ता है ऐसे बहुत सारे हैं तो अकॉर्डिंगली एशियन का फुल फॉर्म क्या है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन तो राइट आंसर फिर फॉर दिस इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन फर्दर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इंक्लूड्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर मैंने अभी आपको चीज बताई है डायग्राम ड्रॉ करके बताया था कि एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो सर्विसेस का सर्विस का मतलब होता है इनविजिबल्स तो ये किसका पार्ट है करंट अकाउंट का पार्ट है कैपिटल अकाउंट स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट या इनफ्लो आउटफ्लो अकाउंट तो आई थिंक आपको अभी समझ में आया होगा तो इसका आंसर आपको पता है इसका राइट आंसर है करंट अकाउंट तो मैंने बताया आपको करंट अकाउंट में दो पॉइंट्स होते हैं मर्केंटाइज विच इज कॉल्ड एज गुड्स और वहां पे क्या होता है गुड्स भी होता है वहां पे सर्विसेज भी होता है ठीक है गुड्स और सर्विसेज की बातें अगर की जाएगी तो दैट विल बी रिलेटेड विद करंट अकाउंट और बाकी कैश ट्रांजेक्शन्स की बातें अगर की जाएगी तो दैट विल बी रिलेटेड विद योर द कैपिटल अकाउंट लोन्स वगैरह वो सब वो सब कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स में आ जाएगा और जो भी हम हमारे एरर्स और ओमिशंस जो भी हमारे एरर्स होंगे उसको रेक्टिफाई करने का काम करेंगे और वो क्यों होते हैं वो एक अकाउंट के बेसिस पे रिफ्लेक्ट किया जाता है इनफ्लो आउटफ्लो अकाउंट ऐसे अकाउंट नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ लेते हैं तो ग्यारह नंबर का दैट इज इफ ऑटोनॉमस रिसीट्स आर लोअर देन ऑटोनॉमस पेमेंट्स देखो एक होता है ऑटोनॉमस एक होता है एक होता है आपका ऑटोनॉमस एक होता है आपका ऑटोनॉमस और एक होता है आपका

पेमेंट से अगर आपकी रिसीट समझो दस है और अगर आपकी पेमेंट ट्वेल्व है एग्जाम्पल ले रहा हूं तो टेन माइनस ट्वेल्व करेंगे तो माइनस टू आएगा तो नेगेटिव आता है नेगेटिव का मतलब क्या होता है डेफिसिट तो यहाँ पे राइट right आंसर क्या बनेगा यहाँ पे राइट right आंसर बनेगा बी ओ पी डेफिसिट ठीक है दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन अगली बार मिलेंगे कुछ नए एम सी क्यूज के साथ इफ यू लाइक द कंसेप्ट कमेंट करें ताकि आपको अगर कुछ इसमें से समझ में आया है जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया है तो दैट विल बी द पॉइंट रिलेटेड टू यर इकोमिक्स तो बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे उसके रिलेटेड आपका काफी सारा प्रैक्टिस हो जाएगा एचआरएम के भी आपको एमसी क्यूज मिलेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्टिंग के भी साइमल्टेनियसली आपको मिलते ही जाएंगे थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर